यदि आप एनिमल लवर हैं, आप जानवरों की मदद करना चाहते हैं और आप फिर भी मीट खाते हैं, डेयरी खाते हैं, किसी भी जानवर का मीट खाते हैं आप, तो आपको पता होना चाहिए कि उसको भी पेन होता है, उसके अंदर भी फीलिंग्स होती है, इमोशंस होते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है यदि आप ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि आपकी ये पर्सनल चॉइस है, लेकिन आपकी पर्सनल चॉइस आपकी पर्सनल नहीं रह जाती यदि उस चॉइस से किसी और को पेन हो रहा है तो। और ये रही बात आपकी दूसरी आर्गुमेंट अगर ये रहती है कि नहीं प्लांट्स को भी तो दर्द होता है, तो हाँ बेशक उनको भी दर्द होता है, लेकिन अगर आप एक प्लांट खाएंगे तो एक प्लांट का दर्द होएगा, लेकिन यदि आप मीट खाएंगे तो मीट जिसका आप खा रहे हैं, गाय का या बकरी का या चिकन का, उसको भी कुछ खाना खिलाया जाएगा और फिर वो आप खाएंगे, तो उसमें पेड़ों की हत्या ज़्यादा होएगी ना। तो अगर आपको एक्चुअल पेड़ों की भी परवाह है, पौधों की भी परवाह है, तो बेटर है कि आप वेजिटेरियन बने, वीगन बन जाए, और नॉन वेजिटेरियन ना रहें तो ये तो बेस्ट है। फिर भी आप ये दोनों चीज़ें नहीं कर सकते, मीट खाना नहीं छोड़ सकते और डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ करना नहीं छोड़ सकते, क्योंकि डेयरी में भी ऐसा होता है कि गाय का दूध लेने के बाद जब वो गाय दूध लेने लायक नहीं बचती है तो उसको बुचर हाउस में, स्लॉटर हाउस में दे दिया जाता है, क्योंकि फार्मर्स उसका ध्यान नहीं रखना चाहते हैं। यू नो दे डोंट वांट टू टेक केयर ऑफ देम, कि उनके लिए वो एक बोझ है, लायबिलिटी है, ना कि एक प्रॉफिट गिविंग बिजनेस है। एनी हाउ, फिर भी आप एनिमल लवर हैं और आप मदद करना चाहते हैं क्योंकि ये दोनों चीज़ें एडिक्टिव होती हैं नेचर में, तो ये तरीके हैं, 6 तरीके आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें से पहला है कि आप शादियों में देखिए ऐसे घोड़े मत यूज़ कीजिए, घोड़े, हाथी, ऊँट, इनको मत यूज़ कीजिए, क्योंकि ये ज़्यादा शोर नहीं झेल सकते। जो पटाखे फूटते हैं, जब शोर शराबा मचाते हैं, बैंड बारात आते हैं, ये उस शोर शराबे को पसंद नहीं करते, और ये फिर भी उनको वहीं पे टॉर्चर किया जाता है, उनके ऊपर हैवी वेट के लोग बैठते हैं, और क्योंकि ये अब हाथ से काबू में ना निकल जाए तो देखिए इनको कैसे बांध के भी रखा जाता है। सो दिस इज़ इफ़ यू आर एन एनिमल लवर, यू शुड स्टॉप डूइंग दिस। ये देखिए इनके मालिक इनको कैसे रखते हैं, जो इन शादियों में और इवेंट्स में इनको यूज़ करते हैं। दूसरा तरीका है, आप ब्रीडर से कोई भी जानवर नहीं खरीदे, क्योंकि वैसे भी देखिए दोस्त बनाए जाते हैं, खरीदे नहीं जाते हैं। आप अगर कोई जानवर घर में ला रहे हैं, एज अ पेट ला रहे हैं, तो देखिए पहले तो वो फैमिली मेम्बर है, आप पेट पेरेंट बने ना कि पेट ओनर, यानी कि आप उसके माँ बाप बने ना कि उसका ओनर बने, मालिक ना बने। दूसरी बात, ये जो ब्रीडर्स होते हैं, ये इनको देखिए कैसे पिंजरों में रखते हैं, छोटे छोटे पिंजरों में रखते हैं, उनको उनकी माँओं से अलग किया जाता है और ज़बरदस्ती प्रेग्नेंट करके उनको बेचा जाता है। ये वो लोग हैं जो खुद पढ़े लिखे नहीं होते, कुछ और काम नहीं कर सकते, भीख नहीं मांगना चाहते, तो इसलिए ज़बरदस्ती ऐसे काम करा रहे हैं। तो इनको शर्म आनी चाहिए खुद पर ऐसे काम करते हुए, और आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे काम करवाते हुए। और आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप ब्रीडर से ना ख़रीदें, आप जो सड़क पे बेजुबान बेघर जानवर है उनको घर दें, ताकि आप एक तरीके से उनके खाने पीने की समस्या, रहने की समस्या दूर करें, और उनको क्रुएल्टी से भी बचाएं, रोड एक्सीडेंट से भी बचाएं। तीसरा तरीका है, आप ऐसे स्पोर्ट्स में हिस्सा ना लें जो कि जानवरों से रिलेटेड है, जैसे कि घोड़े की रेस हो गई, या लीगल या लीगल आजकल बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं, डॉग फाइटिंग है, काउ एंड बफेलो है, रेसिंग है। इसमें क्या होता है, ना सिर्फ ह्यूमन राइडर को चोट लग सकती है, जानवर को भी चोट लगती है, और जानवर को ज़बरदस्ती स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए टॉर्चर किया जाता है। ये देखिए कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, इससे इंसान को भी चोट लग सकती है और जानवर को तो लगती ही है, और टॉर्चर जो करते हैं वो अलग। अगला तरीका है, आप कृपा करके राइड्स ना कीजिए एनिमल्स की, जैसे घोड़ा हो गया, ऊँट हो गया, हाथी हो गया, इनकी राइड्स मत कीजिए। इनको राइड्स करने के लिए इनके जो उनको पालते हैं लोग, वो देखिए इनका ढंग से ख्याल भी नहीं रखते, इनको खाना पानी भी नहीं देते, टॉर्चर करते हैं, मारते पीटते हैं, देखिए ऐसे बांध के रखते हैं, और फिर इनकी चोटों को भी इलाज नहीं कराते हैं।
अगला तरीका है आप एनिमल टेस्टिंग किए हुए प्रोडक्ट्स नहीं खरीदें। देखिए कुछ कंट्रीज़ में ये बैन है, कुछ में इलीगल है, लेकिन फिर भी जहाँ इलीगल है वहाँ और जहाँ बैन है वहाँ दूसरी कंट्री से इंपोर्ट किया जाता है। तो आप कोई भी प्रोडक्ट जब लेते हैं तो चेक कीजिए कि वो उसकी टेस्टिंग ना हुई हो खरगोशों पे, कुत्तों पे, चूहों पे, बंदरों पे, और उनकी ज़िंदगी बहुत बुरी कटती है वहाँ टेस्टिंग लैब्स में, और उनको ऐसी कंडीशन में छोड़ दिया जाता है, मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। तब जो भी प्रोडक्ट खरीदे कॉस्मेटिक का, प्लीज़ चेक कीजिए वो एनिमल टेस्टेड ना हो। आपको कैसा लगेगा अगर आपकी ज़िंदगी ऐसी बीते? देखिए आपकी आपके यूज़ के लिए देखिए वो कैसी ज़िंदगी बिता रहे हैं। और अगला तरीका है कि आप ज़ूज़ में, सर्कसेस में, एक्वेरियम्स में ना जाएं। आप कोविड वायरस, कोरोना वायरस से हमने ये सब तो सीखा ही है कि यदि हम एक घर में, चार दीवारी में बंद रहते हैं तो हम कैसे हो जाते हैं, हम एन्जाइटी के, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। ऐसे ही ये बेचारे डिप्रेशन और एन्जाइटी के शिकार हो जाते हैं। इनको उनके नेचुरल हैबिटेट से अलग किया जाता है और फिर ज़ूज़, एक्वेरियम्स, सर्कसेस में डाला जाता है, और ये बहुत परेशान रहते हैं, शोपीस की तरह रह जाते हैं। प्लीज़ आप एनिमल लवर हैं तो ये सब मत कीजिए।